रहर की फसल में सबसे ज्यादा नुकसान फल छेदक कीड़े से होता है, जिसका सीधा असर फसल की उपज एवं अगले बीज की गुणवत्ता पर पड़ता है। और अगर एक बार इस कीड़े का प्रकोप खेत में हो जाए तो इससे बचना मुश्किल हो जाता है, और जब तक आप इससे बचने का उपाय ढूंढते हैं तब तक फसल में काफी नुकसान हो चुका होता है। फल छेदक कीड़े से बचने का सबसे बेहतर उपाय है कि हम फसल में इसके आने की संभावना को ही खत्म कर दें या कम कर दें, और इसके लिए हमें रहर में फूल लगने की अवस्था से ही बचाव का उपाय करना होगा। कुछ जैव कीटनाशी हैं जिनका प्रयोग अगर हम रहर में फूल लगने की अवस्था से शुरू कर दें तो इसमें फल छेदक कीड़े की आने की संभावना बिल्कुल कम हो जाती है। एक ऐसा ही जैव कीटनाशी है नीमास्त, जिसका प्रयोग हम फसल में लगने वाले छोटे छोटे कीट एवं उनके अंडों के नाश के लिए करते हैं। आज हम विस्तार से जानेंगे कि नीमास्त्र बनाते कैसे हैं और इसका प्रयोग कैसे करते हैं। 100 लीटर नीमास्त्र बनाने के लिए हमें 100 लीटर पानी, 10 किलो नीम का पत्ता, 2 किलो गाय का ताजा गोबर और 10 लीटर गोमूत्र की जरूरत पड़ती है। आइए अब हम देखते हैं हमारी दीदी लोग नीमास्त्र कैसे बना रही हैं। नीमास्त्र बनाने के लिए सबसे पहले नीम का पत्ता 10 किलो लेना है, उसको अच्छी तरह से कूट लेना है। अब हम एक ड्रम लेंगे, इसमें हम पहले से 100 लीटर पानी डाले हुए हैं। पहले तो नीम के पत्ता को अच्छी तरह से मिला लो, उसके बाद गाय का ताजा गोबर 2 केजी मिलाना है। गाय का ताजा गोबर को क्यों मिलाना है? वो इसलिए कि गाय का गोबर में कुछ फायदेमंद तत्व पाए जाते हैं, वो किसी दूसरे जानवर के गोबर में नहीं मिलते हैं। और अंत में 10 लीटर गोमूत्र मिलाना है और उसको प्लास्टिक से ढक के रस्सी से बांध के किसी छायादार जगह में 3 दिन के लिए छोड़ देना है। इसको सुबह और शाम डंटा से मिलाना है। नीमास्त्र को बनाने के बाद 3 महीना तक रख सकते हैं और फिर प्रयोग कर सकते हैं। नीमास्त्र के मिश्रण को अच्छी तरह छानकर इसमें बिना पानी मिलाए हमें स्प्रेयर की मदद से फसल पर इसका छिड़काव करना चाहिए। रहर की फसल में फल छेदक कीड़े से बचाव के लिए समय पर नीमास्त्र का प्रयोग बहुत जरूरी है। रहर की फसल में फूल लगने की अवस्था से शुरू करके फली लगने की अवस्था तक हर 10 दिन के अंतराल पर नीमास्त्र का प्रयोग बहुत जरूरी है। 20 डिसमल की फसल के लिए लगभग स्प्रेयर की एक टंकी यानी 15 लीटर नीमास्त्र का प्रयोग एक बार में करना चाहिए।